अदिति बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से धोखाधड़ी करके मृतक व्यक्तियों को जिंदा बताकर LIC की धनराशि लेने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि 26 दिसंबर को अदिति बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक मनीष ओझा की तहरीर के अनुसार बिरला सन लाइफ कंपनी से धोखाधड़ी कर मृतक व्यक्तियों को जिंदा बताकर कुछ लोगों ने LIC कंपनी से पैसे ठगने का काम किया था, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार मामले की छानबीन करने के लिए थाना गुन्नौर की टीम गठित की गई, जिसमें प्रवीण सोलंकी प्रभारी निरीक्षक थाना गुन्नौर एवं उप निरीक्षक धनवान सिंह में फोर्स के साथ विवेचना में जुट गए। विवेचना के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को मस्कानों से गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। पूछताछ पर आरोपियों ने अपना नाम दीपक पुत्र सुनील कुमार निवासी मोहल्ला शिवपुरी कस्बा बबराला एवं दूसरा सत्यपाल पुत्र धर्मपाल निवासी हरगोविंदपुर थाना गुन्नौर एवं तीसरा कमलेश कुमार पुत्र कल्लू निवासी देहरी जग्गू थाना असमौली व एक महिला मुन्नी देवी पत्नी स्वरूप विजय सिंह निवासी दतिया बली थाना हयातनगर जिला संभल बताया। तत्पश्चात घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने आरोपियों से कड़ी पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि हम लोगों के पिताजी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें हमने फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाकर LIC कंपनी से पैसे हड़पने के लिए इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से धोखाधड़ी की, लेकिन इस सब का पता प्रबंधक मनीष को पता चल गया था, जिसमें हम लोग यहाँ से फरार हो चुके थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। ये आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक मुकदमा लिखा गया था। इसमें बताया गया कि कुछ लोग मृत व्यक्तियों को जीवित दर्शा के उनका बीमा करा के धनराशि हड़प गए। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो इसको सही पाया गया बात को। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो इसके लाभार्थी थे, जिनके घर से कोई ना कोई मृत हुआ था, उनका बीमा कराया गया था और ये उसमें से धन प्राप्त किए थे। इसमें अभी और लोग शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी है, जो इस काम को अंजाम देते थे। महिला भी शामिल है इसमें? इसमें भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, ये धीरे धीरे इसमें काफ़ी गिरफ्तारी होनी है। अभी कितने लोग गिरफ्तारी हुई इसमें सर? इसमें आज 4 लोग गिरफ्तारी हुई है। कोई रिकवरी हुई है? नहीं, इसमें रिकवरी वाली देख धोखाधड़ी के घटनाक्रम का ये पूरा खुलासा है कि कैसे ये काम करते थे। मृत व्यक्तियों को जिंदा दिखा के उनके एजेंट होते थे, वो इनका बीमा कराते थे और ये जो पकड़े गए ये एजेंट हैं या नॉमिनी हैं? क्या ये लाभार्थी हैं, इन्होंने जिनके घर का कोई ना कोई मरा था, इनको लालच दिया गया तो ये तैयार हो गए। उस पर इन्होंने सारे चीज़ इनको उपलब्ध कराए और उसमें डॉक्यूमेंट्स की हेरा फेरी करके कुछ एजेंट हैं जो इनका बीमा कराए मृत व्यक्ति का और वहाँ से पैसा लिया। तो क्या एजेंट अभी फरार हैं? हाँ, अभी फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।